हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज ओके सो वी हैव टिल नाउ डिस्कस अबाउट द थ्री डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जीज जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर एग्जाम ओके लेवल वन सो लेवल वन में जो अलग अलग सेक्शन है उसमें से हमने तीन सेक्शन ऑलरेडी देखे है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस यू कैन सी इट ओर हियर देन द सेकंड वन इज अबाउट जनरल नॉलेज एंड थर्ड वन इज अबाउट जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस ओके सो टुडे डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी रिलीज देयर आंसर की सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट न्यूज़ ओवर हियर सो यू जस्ट हैव टू गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी ओके सो हियर आई एम Opening the actual द एक्चुअल ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी तो दोस्तों आपको एक काम करना है जो भी वीडियो सेशन हमने देखे उसमें भी जो आंसर मैंने मार्क करवाए थे तो उसमें और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जो आंसर क्या है थोड़े डिस्क्रीपेंसीज है दो तीन क्वेश्चन में ही मिलेगी आपको ज्यादा नहीं मिलेगी कुछ लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी की जो ऑफिशियल आंसर की उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे ओके तो अब ये आंसर के आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका पूरा एक बार टैली करना है आपके आंसर इस आंसर की के साथ और उसके बाद आप पता कर पाएंगे कि आपका लेवल टू का पेपर चेक होगा कि नहीं होगा क्योंकि जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में अगर हम बोलेंगे तो फिफ्टी परसेंट अगर वो मार्क ले आते लेवल वन में तभी उनका लेवल टू का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर चेक होगा और यदि वो ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनके अगर फोर्टी परसेंट मार्क आते हैं तभी उनका वो पेपर चेक होगा ओके okay? तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे और एक इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है विदिन अ सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की यू हैव टू रेज है क्वेश्चन इफ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन अबाउट द एंसर गिवन इन द आंसर की तो आपकी जो आंसर की है उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन uh, या कोई भी ऐसा ऑप्शन उन्होंने दिया है जिसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है आपको लगता है वो गलत है तो आपको क्या करना है वहाँ पे ऊपर हेल्प डेक नाम का एक ऑप्शन आता है उनके वेबसाइट पे ओके तो वहाँ पर जाने के बाद हेल्प डेक में उनका एक ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर मेल के जरिए आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है और वो भी सात मार्च तक ही आप कर सकते ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है ओके सो फ्रेंड हियर यू कैन एबल टू फाइंड द लेवल वन एंसर की ओके फॉर अपर डिवीजन कर फॉर जूनियर परचेस असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री एंड स्टेनोग्राफर ग्रेट टू ओके सो हियर दे हैव मैंशन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग कन कॉन्टेस्ट ऑफ एंसर की और क्वेश्चन टू हेल्प डेक ई मेल विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन जो भी अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन उन्होंने गलत दिया है एंसर की में और आपको लगता है कि आपका आंसर सही है तो पूरे पुरावे के साथ एविडेंस के साथ आपको हेल्प डेस्क में उन्होंने एक दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सॉरी एक ईमेल आईडी दिया है इस ईमेल आईडी पे आपको ये क्वेश्चन रेज करना है ओके okay? यहाँ पर भी आप कर सकते हो देखो ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है यहाँ पे अगर इसमें आपका जवाब आपको मिलता नहीं है ओके okay? तब जाके आप इस मेल आई के ऊपर आपका आंसर उनको भेज सकते हो यहाँ पे उन्होंने दिया देखो यू आर एडवाइज टू गो थ्रू एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन के डी पी एस डी एल्प डेस्क एट at gmail dot com ओके okay. तो ये सारी प्रोसीजर दोस्तों आपको फॉलो करनी है तो होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ, आ गई होगी फिर भी हमने ये जो तीन यहाँ पे वीडियो सेशन लिए थे फॉर कंप्यूटर नॉलेज फॉर जनरल अवेयरनेस एंड फॉर जन इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड इन जनरल साइंस तो ये वाला जो भी हमारा था ये तीन सेशन तो इसमें भी थोड़े से तीन चार क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसीज है आप वो एक बार देख लो और फिर भी अगर आप चाहते हो कि जो इंग्लिश का सेशन हमारा बाकी रहा है और एप्टीट्यूड का सेशन बाकी रहा है उसके सही आंसर के साथ में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लिख के आप जरूर बताइए और जो पेपर टू है हमारा उसके ऊपर भी काम चल रहा है पेपर टू का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो हमने ए से था प्रे से था लेटर राइटिंग था और अलग अलग डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच चेंज द वॉइस था अपो एंटोनिम्स थे उसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चंस थे राइट right? तो उन सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो भी रिटर्न पेपर है उसकी तो कोई आंसर की रिलीज नहीं होने वाली उसका एक हेल्दी डिस्कशन हम रखेंगे ताकि आप भी जान सको कि किस तरीके से मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस कैसे क्या मेरिट हो सकता है तो उसके बारे में भी एक इंफॉर्मेटिव या उसके एक एनालिटिकल वीडियो हम लेके आएंगे तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ऑफिशियल आंसर की से आपके आंसर जरूर टैली कीजिए और उसके बाद फिर आ, हम आगे बढ़ेंगे ओके तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों तब तक अपना ध्यान रखिए धन्यवाद